झांसी विधानसभा सदर विधायक, यहाँ पे कौन है? माननीय रवि शर्मा जी। अच्छा, विधायक जी द्वारा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और बिजली जैसे मुद्दों पर कितना कार्य किया गया है यहाँ पर? ये तो भाई साहब आम पब्लिक बता देगी आपको, क्योंकि बरसात के सीजन में हमारे यहाँ कितना काम हुआ, कितनी परेशानियाँ हुई, यह बात किसी छुपी थोड़ी है। रोडों के मामले में हमारी खुद की रोड, जो हम जिस मकाम में रहते हैं, पाई परिसर में जो रोड डली डालना है, इसके लिए ही हमने कल फ़ोन किया था माननीय हमारे सभासद जी को, नगरिया जी को। बहुत अच्छा पॉजिटिव रूप, जिस हिसाब से हम लोग स्मार्ट सिटी में हैं उस हिसाब से तो 10% भी कोई हम लोग पॉजिटिव स्थिति में नहीं है। हाँ, बाजार में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की गई है। शहर में सब लोग जानते हैं कि कोतवाली से नीचे उतरने वाला मार्ग मेन एंट्री है शहर की, अगर ये वन वे व्यवस्था कर दिया है, मानिक चौक से आर्मी जाए या मानिक चौक से आए कोतवाली से जाए, तो हम लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। अभी तो तब भी स्कूल बंद है सर, वरना जिस समय हमारे यहाँ बच्चों की छुट्टी होती है उस समय कम से कम 40-40, 50-50 गाड़ियों का जाम लग जाता है और वो बच्चे 3-3 घंटे बाद घर पे पहुँचते हैं। स्वास्थ्य को लेके तो उनसे पूछे, इन्होंने अपने कोरोना काल में परिवार को खोया है, जिन्हें बेड नहीं मिले, जिन्हें ऑक्सीजन में दिक्कत हुई। अगर हमारे झांसी के जो माननीय DM साहब हैं, अगर उन जैसा व्यक्ति नहीं होता तो शायद इस झांसी को बहुत कुछ भुगतना पड़ता। हाँ, आपके रहने से झांसी में काफ़ी व्यवस्थाओं सुधार आया, दिन रात मेहनत की उन्होंने। शिक्षा में पॉजिटिव स्थिति हर बच्चे बता देंगे, नकल से पास होना है, लैपटॉप के सामने बैठना है, नहीं है तो मोबाइल के सामने बैठ जाओ, नीचे किताब रख लो। इससे शायद हमारे झांसी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है, क्योंकि उन्हीं बच्चों को आने वाला वक्त उन्हीं को संभालना है। कोविड का दौर तो ठीक है, इससे पहले भी कोरोना नहीं था, उस समय ऐसे कोई शिक्षा के नए संस्थान खुले हुए? नहीं नहीं हमारे झांसी में कोई नए संस्थान नहीं। जैसा सुशीला नैयर के टाइम पे BHEL आया था हमारे, इस तरह की अगर बड़ी कोई भी फैक्ट्री डल जाए जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल जाए तो शायद इस झांसी की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल में ना तो कोई फैक्ट्री खुली है, सारे काम कागजों पे हुए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्योंकि इन जिन लोगों ने दुकान पे नौकरी करके भी बेचारे भरण पोषण करते थे, दुकान पे भी उन्होंने दुकानदार ने कम कर दी लेबर, इस वजह से क्या है काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। ऐसे नहीं है, पीड़ा इस समय है पब्लिक के दिल में। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कार्य किया गया हो जो झांसी के सदर के लिए विधानसभा में एक यादगार रहा हो? नहीं, एक को पर्सन सर क्यों नहीं किया गया, हमारी झांसी स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी कहलाना यही हमारे ये गौरवान्वित करता है हमारे झांसी वासियों के लिए। हम लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं। स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं आ गई हैं? सुविधाएं तो खैर हमारी समझ में नहीं आई अभी तक, लेकिन काफ़ी कुछ स्मार्ट सिटी नाम सुनो कि हम लोग खुश हो जाते हैं। सुविधाएं नहीं है, स्मार्ट सिटी नाम है। हाँ, स्मार्ट सिटी नाम है, सुविधाएं तो नहीं है। सुविधाएं होती तो आज यह स्थिति पब्लिक की नहीं होती जो आज पब्लिक परेशान है। स्मार्ट सिटी में वैसे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? वैसे हमारे घर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, रोड अच्छी होना चाहिए, हमारे घर के खुद के सामने की रोड खराब है जी, मतलब दुनिया की तो क्यों कहें हम, इतने गड्ढे हैं, कई लोग गिर पड़ते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सारी खराब हैं।